तभी बीरस बोलता है, इस मॉर्टल ने तो अपनी पूरी शक्ति दिखाई ही नहीं। अगर ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में तुम्हारा सामना करता तब तुम्हें पता चलता राइनस। इस पर लॉर्ड राइनस बोलता है, तुम सिर्फ बातें बनाना जानते हो बीरस, तुम्हारा ये वॉरियर किसी काम का नहीं है। ये कमजोर मॉर्टल बस दूसरे कमजोर वॉरियर का ही सामना कर सकता है। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ये मॉर्टल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल कर सकता है? तुम पागल हो गए हो बीरस। तभी लॉर्ड बीरस बोलता है, तो क्या तुम्हें लगता है राइनस कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? इसने ही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल कर हमारे यूनिवर्स को जिताया था। तभी लॉर्ड राइनस बोलता है, किसी भी मॉर्टल के लिए वो शक्ति को हासिल करना नामुमकिन है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है बीरस, तुम्हें रिटायरमेंट लेने की जरूरत है। तभी लॉर्ड बीरस बोलता है, तुमने ही तो कहा था ना यूनिवर्स 13 और यूनिवर्स 7 के बीच एक टूर्नामेंट कराएं, तो मेरे यूनिवर्स के मॉर्टल को तुम कम समझने की भूल मत करना। तभी राइनस बोलता है, तुम्हें पता है बीरस, तुम बहुत लकी हो क्योंकि मैं तुम्हारे यूनिवर्स में आया हूँ। अगर किंग कोबरस या लॉर्ड आंगरा तुम्हारे यूनिवर्स में आते तो उनके सामने तुम कुछ भी नहीं कर पाते। मैं तो तुम लोगों को बोलने का मौका भी दे रहा हूँ। तभी लॉर्ड बीरस बोलता है, मुझे इन सबसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, समझे? इस पर वीस बोलता है, हे, क्या तुम मुझे बताओगे कि लॉर्ड राइनस ने यूनिवर्सल कंटेस्ट के लिए अपने ही वॉरियर को खत्म कर दिया था और वो लॉर्ड बीरस से भी बिल्कुल यही चाहते हैं? इस पर एंजल पिनोटा बोलता है, लगता है कि लॉर्ड राइनस बस खुद को ही प्रूव करना चाहते हैं कि वो यूनिवर्स के सबसे ताकतवर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में से एक हैं, और उन्हें लगता है कि ताकतवर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ऐसा ही करते हैं और सभी डिस्ट्रक्शन को ऐसा ही करना चाहिए। वो लॉर्ड बीरस से भी यही उम्मीद रखते हैं और उन्हें पता है कि लॉर्ड बीरस आखिर कितने ताकतवर हैं। वो तो बस उनकी शक्ति देखना चाहते हैं और एक मॉर्टल के साथ ऐसा बिहेव उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। तभी गोकू इंजर्ड हालत में खड़ा होता है और बोलता है, रुकिए लॉर्ड राइनस, हमारे यूनिवर्स में और भी ताकतवर वॉरियर हैं। आपकी सोच हम मॉर्टल्स के लिए गलत है, और वैसे भी मैंने अब तक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल नहीं किया है। इस पर लॉर्ड राइनस बोलता है, तुम्हारी सांसें अब तक चल रही है, अगर मैं चाहता तो मैं तुम्हें खत्म भी कर सकता था, लेकिन मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, और अगर तुम ज्यादा बोलोगे तो मैं तुम्हें अभी के अभी मार सकता हूँ, समझे तुम मॉर्टल? तभी गोकू बोलता है, आप गलत हैं राइनस, आप जितना मुझे कमजोर समझ रहे हैं मैं उतना कमजोर नहीं हूँ। आप मुझे एक और मौका दीजिए मुझे अपनी शक्ति दिखाने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि राइनस गोकू को एक हाथ से पकड़कर उठा देता है और बोलता है, तुम अपनी टूटी फूटी हालत में भी मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें मुझे बार बार बताना पड़ेगा कि आखिर मैं हूं कौन? मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की शक्ति है। एक मॉर्टल के लिए उस शक्ति को हासिल करना नामुमकिन है। इस पर गोकू बोलता है, मैं पूरी कोशिश कर रहा था लॉर्ड राइनस, लेकिन पता नहीं क्यों मैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में नहीं बदल पा रहा था, लेकिन अगली बार मैं ज़रूर उस फॉर्म में बदल कर आपसे लड़ाई करूँगा लॉर्ड राइनस। तभी लॉर्ड राइनस गोकू को फेंक देता है और बोलता है, इस कीड़े को तुम ही संभालो बीरस, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारी तरफ बातें बनाना जानता है और कुछ नहीं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई,
आखिर तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होकर भी झूठ क्यों बोल रहे हो? ये तुम पर शोभा नहीं देता बीरस। तभी लॉर्ड बीरस बोलता है, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला है राइनस, वो सैयन बिल्कुल सही कह रहा है, वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल कर सकता है। इस पर लॉर्ड राइनस बोलता है, तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो चुका है बीरस, क्योंकि तुमने भी अब तक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट शक्ति का इस्तेमाल करना ढंग से नहीं सीखा है, और ना मैं भी। तो भला ये मॉडल उसका इस्तेमाल आखिर कैसे कर सकता है? मुझे लगता है कि तुम उस मॉडल को बचाने के लिए ये सब बोल रहे हो, ताकि मैं उसे खत्म ना करूं। इस पर लॉर्ड बीरस बोलता है, क्या तुमने क्या कहा? तुमने अब तक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को नहीं सीखा है? इस पर वीस भी बोलते हैं, क्या बात है, ये दोनों डिस्ट्रॉयर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की शक्ति को अब तक सीख ही रहे हैं। इस पर लॉर्ड राइनस बोलता है, मुझे पता है, जब हम आखिरी बार लड़े थे तब हमारी लड़ाई को एंजल ने रोक दिया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, समझे तुम बीरस? इस पर लॉर्ड बीरस बोलता है, क्या हम दोनों लड़ाई कर चुके हैं? मुझे तो याद भी नहीं है, लगता है आजकल मैं कुछ ज्यादा ही सो रहा हूँ। इस पर एंजल पिनोटा बोलता है, टूर्नामेंट में 3 वॉरियर होंगे, जिसमें 2 मॉर्टल और 1 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होंगे। तभी गोकू गुस्से में बोलता है, क्या आपको सच में लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? आप मेरी एबिलिटी पर शक कर रहे हैं। अगर आपको अब भी लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मैं आपसे आपके टूर्नामेंट में मिलता हूँ, और वहाँ पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये मॉर्टल क्या कर सकता है। इस पर लॉर्ड राइनस बोलता है, तुम्हारे झूठे वादे से तुम बच नहीं सकते सैयन, क्योंकि हमारे यूनिवर्स का मॉर्टल तुम्हें बहुत ही आसानी से हरा सकता है, तो बक बक करने से अच्छा यही होगा खुद पर काम करो, ताकि तुम मुकाबला दे सको। वैसे भी तुम्हें तो हारना ही है, और अब मैं यहाँ से चलता हूँ। और ये बोलकर लॉर्ड राइनस वहाँ से चला जाता है। इस पर वीस बोलते हैं, तो वे लोग चले गए जब एंड्रॉइड 17 ने सभी यूनिवर्स को रिस्टोर करने का वरदान मांगा था। तब उसने ये नहीं बताया था कि वो कौन कौन से यूनिवर्स को रिवाइव करना चाहता है, इसलिए सुपर सेंड्रॉन ने सभी यूनिवर्स को रिवाइव कर दिया, उस यूनिवर्स को भी जिसे जेनोसामा ने बहुत पहले तबाह किया था। तभी वीस गोकू को हील कर देता है और बोलता है, खुशी मनाओ गोकू कि लॉर्ड राइनस ने तुम्हें मारा नहीं, तुम बाल बाल बच गए। इस पर गोकू बोलता है, मुझे यकीन नहीं होता, मेरे एक भी हमले का उन पर कोई भी असर नहीं हो रहा था, उन्हें तो एक खरोच भी नहीं आई। इस पर वीस कहते हैं, वैसे मुझे लॉर्ड राइनस को देखे हुए बहुत समय हो गया था, वो पहले जैसे ही ताकतवर हैं, तो मैं तुम्हें यही बोलना चाहूँगा गोकू कि तुम अपने ट्रेनिंग पर ध्यान दो, वरना तुम यूनिवर्स 13 के वॉरियर से हार जाओगे। इस पर गोकू बोलता है, आपने बिल्कुल सही कहा वीस, मैंने उन्हें अंडर एस्टिमेट करके बहुत बड़ी गलती कर दी, अगर मैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल कर पाता तो मैं शायद उन्हें अच्छी खासी टक्कर दे पाता। वेजिटा ने मुझसे कहा था कि वो अपनी ट्रेनिंग के बीच किसी को भी आने नहीं देता है, और अब वो टाइम चेंबर में ट्रेनिंग कर रहा है, मैं उससे नहीं बात कर सकता, और एंड्रॉइड 17 और ब्रोली भी अपनी ट्रेनिंग कर रहे होंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैं दूसरे वॉरियर के लिए किसे चुनूं। इस पर लॉर्ड बीरस कहता है, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम चुपचाप से वेजिटा के पास जाओ और उससे बात करो। फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस गोकू को एक पंच मारता है और बोलता है, मैं किसी भी हालत में राइनस से नहीं हारना चाहता, समझे तुम? इस पर गोकू बोलता है, मुझे नहीं लगता कि वेजिटा से बात करना इतना आसान होगा। तभी गोकू के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो बोलता है, हे रुको जरा,
मेरे पास एक वॉरियर है जो कि राइनस के टूर्नामेंट में हमारा साथ दे सकता है, लेकिन मुझे उसे थोड़ी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है और वो लॉर्ड राइनस के लिए बेस्ट फाइटर बन सकता है। मैं आप लोगों के पास जल्दी आऊँगा। और ये बोलकर गोकू वहाँ से चला जाता है। इस पर लॉर्ड बीरस बोलता है, मुझे लगता है कि वो फ्रीजा ही होगा, लेकिन वो तो कोई सैयन नहीं है। तुम्हें क्या लगता है वीस? इस पर वीस बोलता है, जहाँ तक कि मुझे लगता है वो फ्रीजा तो नहीं है माय लॉर्ड। लॉर्ड बीरस बोलता है, मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ वीस, वो फ्रीजा ही होगा। अगर वो फ्रीजा होगा तो मैं इस सैयन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इस पर वीस कहते हैं, वेल, गोकू और फ्रीजा के बीच की दुश्मनी बहुत पुरानी है, क्योंकि फ्रीजा ने ही प्लैनेट वेजिटा को तबाह किया था, और वो भी आपके कहने पर। इस पर लॉर्ड बीरस कहता है, हाँ हाँ, लेकिन ये बात उन सैयन को पता नहीं चलनी चाहिए, समझे तुम वीस? अब चलो, मेरी ट्रेनिंग करने की बारी आ चुकी है। मुझे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की एबिलिटी को मास्टर करना है और उस बेवकूफ राइनस को हराना भी है। तभी वीस कहते हैं, क्यों नहीं लॉर्ड बीरस, चलिए आपकी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। इधर हम देखते हैं कि गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल कर गोहान के पास आ जाता है। गोहान कुछ काम कर रहा था। इस पर गोकू बोलता है, हे गोहान, क्या तुम बिजी हो? इस पर गोहान बोलता है, डैड, आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तभी गोकू बोलता है, मुझे माफ़ करना गोहान, लेकिन लॉर्ड बीरस को तुम्हारी ज़रूरत है। एक टूर्नामेंट में हमें तुम्हारी मदद चाहिए, इसलिए तुम्हें मेरे साथ ट्रेनिंग करने के लिए चलना होगा। इस पर गोहान बोलता है, लेकिन डैड, अभी मैं बहुत ज़रूरी काम कर रहा हूँ और मैं बहुत बिजी हूँ, मैं आपके साथ नहीं आ सकता, कल मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है। अगर कल मैं प्रेजेंट नहीं रहा तो मेरी प्रमोशन रुक जाएगी। इस पर गोकू बोलता है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन गोहान, अगर तुम हमारे साथ नहीं चलोगे तो यूनिवर्स 13 के खिलाफ दूसरा वॉरियर कौन होगा? इस पर गोहान बोलता है, क्या आपने क्या कहा, यूनिवर्स 13? लेकिन यूनिवर्स तो 12 तक ही एग्जिस्ट करता है। इस पर गोकू बोलता है, हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा गोहान, क्योंकि हमें यूनिवर्स के बारे में यहीं तक ही पता है, लेकिन जब टूर्नामेंट ऑफ पावर में एंड्रॉयड 70 ने सभी यूनिवर्स को रिवाइव करने का वरदान मांगा था, तो वो यूनिवर्स भी रिवाइव हो गए जिन्हें ओमनी किंग ने बहुत पहले तबाह किया था। यूनिवर्स 13 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लॉर्ड बीरस के प्लैनेट आए थे और मैंने उनसे लड़ाई भी की और मैं हार गया। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए गोहान, क्योंकि लॉर्ड राइनस ने एक टूर्नामेंट रखा है जिसमें यूनिवर्स 13 के 2 मॉर्टल और एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होंगे, और यूनिवर्स 7 के 2 मॉर्टल और एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होंगे, और ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई करेंगे, और आखिर में लॉर्ड राइनस और लॉर्ड बीरस के बीच लड़ाई होगी। इस पर गोहान बोलता है, इसका मतलब अर्थ फिर से खतरे में है? लेकिन डैड, मैंने तो बहुत समय से ट्रेनिंग नहीं की है, वैसे आप वेजिटा से क्यों नहीं बात करते? वैसे भी वेजिटा तुम मुझसे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। इस पर गोकू बोलता है, अगर ऐसा होता तो मैं ज़रूर बात करता, लेकिन वेजिटा अभी टाइम चेंबर में ट्रेनिंग कर रहा है और वो इतनी जल्दी वहाँ से आने नहीं वाला। फिर हम देखते हैं कि गोकू गोहान से रिक्वेस्ट करने लगता है और बोलता है, प्लीज़ गोहान, तुम इस लड़ाई में हमारा साथ दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम जल्द ही वहाँ से वापस आ जाएंगे। इस पर गोहान बोलता है, आपको बता दूँ डैड कि आपके जाने के बाद मोरो गैंग यहाँ पर आए थे और मैंने उनके छक्के छुड़ा दिए, क्या मेरे जाने से प्लैनेट अर्थ सेफ रहेगा? इस पर गोकू बोलता है, बस कुछ ही दिनों की बात है गोहान। इधर हम वीस को देखते हैं जो कि लॉर्ड बीरस से बोलता है, कोई दिक्कत है माय लॉर्ड? इस पर लॉर्ड बीरस बोलता है,
क्या तुम्हें नहीं पता वीस, वो सारे के सारे डिस्ट्रक्शन अब रिवाइव हो चुके हैं। राइनस, कोबरस, गार्डोक्स और आंग्रा, पता नहीं अब ये लोग क्या तबाही मचाएंगे। इस पर वीस बोलता है, मुझे नहीं लगता कि ये सभी लोग कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे। आप चिंता मत कीजिए लॉर्ड बीरस, सब कुछ ठीक हो जाएगा।